सो हेलो एवरीवान दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टर माइंड तो सबसे पहले तो तुम मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में ये बताओ कि तुम्हारा फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम्स कैसा गया सेमेस्टर टू का अब देखो यहाँ पर इस वीडियो में हम तुम्हारा जो एम सी क्यूज़ पार्ट है जो कि तुम्हारा सेक्शन ए में रहता है सेक्शन ए में तुम्हारा एमसी्यूज़ पार्ट रहता है तो इस वीडियो में हम तुम्हारा सेक्शन ए का सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे यानी कि एमसीक्यू उस पार्ट का सो सेक्शन ए यहाँ पर तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्री वाइब्रेशंस आर सो फ्री वाइब्रेशंस इट विल बी ऑप्शन डी द वाइब्रेशंस विद अ कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी एंड कांस्टेंट एम्पलीट्यूड डीज आर कॉल्ड फ्री वाइब्रेशंस लास्ट वीडियो में हमने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर डिस्कस किया था इंपॉर्टें क्वेश्चंस उसमें भी मैंने बोला था कि तुम्हें डैम्प्ड वाइब्रेशन फ्री वाइब्रेशन का सबका डेफिनेशन कर लेना है तो अगर तुमने डेफिनेशन पाया है तो तुम्हें आंसर जरूर पता होगा सो हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट करेक्ट टेल मी दैट इन द कॉमेंट सेक्शन तो मेरे को लास्ट में बताना कि तुम्हारा आउट ऑफ टेन कितना आ रहा है एमसीक्यू उस पार्ट में कितना सोल्यूशंस राइट है क्वेश्चन टू क्वेश्चन टू इज द डायग्राम बिलो शोज फोर साउंड वेव्स विथ साउंड हैज हाइएस्ट पीच तो इसका तुम्हारा कौन सा होगा तुम्हारा फोर यहाँ पर ग्राफ्स दिया हुआ है फोर मतलब कि डायग्राम है इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट ये वाला तुम्हारा करेक्ट है उसके बाद मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री इज द ग्राफ प्लॉटेड फॉर पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वी अगेंस्ट करेंट दैट इज आई फॉर ओमिक रेजिस्टर ओमिक रेजिस्टर के लिए यहां पर तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी अ स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू दी ऑडिजिन सो क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर है ऑप्शन नंबर सी मूविंग अ हेड टू द नेक्स्ट वन दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर क्या है अ मेन स्विच इन द मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट अ लाइफ एज वेल एज न्यूट्रल वायर मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन क्या है अ कंडक्टर ए बी इज केप्ट अलॉन्ग नॉर्थ साउथ डिरेक्शन ऑफ द अर्थ अबव अ मैग्नेटिक नीडल एज शोन बिलो दिस वन दिस फिगर वेन द की इज क्लोज देन क्या होगा यहाँ पर द नीडल विल शो एनी डिफ्लेक्शन विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन या फिर नीडल विल डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स ईस्ट इसका ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी डी करेक्ट ऑप्शन है ये वाला द नीडल विल डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स वेस्ट सो ऑप्शन डी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है क्वेश्चन नंबर सिक्स इज अ कॉइल वाउंड अराउंड अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन कैन बिकम एन इलेक्ट्रो ओनली व्हेन सो इट विल बिकम इलेक्ट्रो व्हेन वेन अ करेंट फ्लोज इन द सर्किट सो ऑप्शन नंबर फोर दैट मींस ऑप्शन डी विल बी करेक्ट फिर क्वेश्चन नंबर सेवन देखो क्वेश्चन नंबर सेवन तुम्हारा यहाँ पर न्यूमेरिकल्स है इसका तुम्हारा सॉल्यूशन करेक्ट सॉल्यूशन, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट फोर जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस उसके बाद नेक्स्ट वाला कम टू नेक्स्ट वन दैट इज क्वेश्चन नंबर एट वाटर इज यूज इन कार रेडिएटर्स कार रेडिएटर्स में ये वाला तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज वेरी हाई सो इट कैन कूल द इंजन विदाउट अ ग्रेटर इंक्रीज इन इट्स ओन टेम्परेचर सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन मूविंग अ हेड टू सेकेंड लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर नाइन द हैविएस्ट न्यूक्लियर रेडिएशन इज तो हैविएस्ट तुम्हारा अल्फा रेडिएशन होता है सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट एंड लास्टली जो तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन टू स्टडी द एज ऑफ एक्सकवेटेड मटीरियल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस वी स्टडी द रेट ऑफ डी के ऑफ एन आइसोटोप ऑफ कार्बन कार्बन फॉर एज एज डिटेक्शन के लिए यूज होता है सो यहाँ पर तुम्हारा कार्बन होगा सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट तो ये तुम्हारा टोटल हमने डिस्कस किया सोल्यूशन फॉर द एमसीक्यूज पार्ट अब तुम्हारा आउट ऑफ टेंथ तुम्हारा कितना राइट right है कितना करेक्ट है ये तुम मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताओ और यहाँ पर अब तुम्हारा नेक्स्ट एग्जाम थर्टींथ को है अगर तुम साइंस के स्टूडेंट हो बीच में तुम्हारा बंगाली एंड ऑल है तो जिन लोगों का बेंगोली है उन लोगों का नेक्स्ट एग्जाम होगा एक दिन का गैप के बाद और जिन लोगों का नेक्स्ट केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के लिए तुम्हें कुछ दिन का गैप मिला है थर्टींथ को तुम्हारा केमिस्ट्री है थर्टींथ ऑफ मे को तो अब केमिस्ट्री के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो ऑल द बेस्ट गुड लक फॉर योर केमिस्ट्री एग्जाम्स